हाँ भाई, ये क्या चीज है? बादल है बादल। ये प्रकृति की अद्भुत लीला। हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? तो हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग, और पीछे का व्यू एकदम कहने की कोई बात ही नहीं। आप देख ही रहे हो कितना प्यारा है। और जो हमसे एक प्रॉब्लम हो गई है, हमारे साथ एक बड़ी दुर्घटना कह सकते हैं, हमें किसी वजह से दर्शन नहीं हो पा रहे थे। वो गलती हमारी थी, क्योंकि हमने जब वहाँ से चले वृंदावन से, तो हमने कोई स्लॉट चेक नहीं करा था टाइमिंग का कि कितने। यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे 4 तारीख तक स्लॉट बुक है, जो पहले कर चुके हैं उन्हीं को दर्शन हो रहे हैं। अब देखो क्या होता है, भोलेनाथ की क्या कृपा रहती है। अगर उन्हें चाहेंगे तो दर्शन करवाएंगे, बाद बाकी उनकी चौखट तक तो आ ही चुके हैं। क्यों भैया? जय बाबा। तो मिलते हैं फिर, अगर कोशिश होगी तो आपको दर्शन जरूर करवाएंगे ऊपर के। बाद बाकी यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है। बाबा के दर्शन बाद में कराएंगे, पहले माता अलकनंदा के दर्शन करो। माता अलकनंदा जो हमारे जस्ट बैक साइड में नीचे बह रही हैं, बहुत सुंदर नजारा। हम तो सुबह से निहार ही रहे हैं। केदारनाथ महाराज जी के हमें दर्शन नहीं हुए हैं, उसका रीजन ये है कि हमने स्लॉट बुक नहीं करवाया था। तो हमें वहाँ पे कुछ भैया एक उन्होंने बताया था कि आप तुंगनाथ महादेव चले जाओ, वहाँ पे बहुत अच्छे जो कि 16 ज्योतिर्लिंग में आते हैं ये महादेव। तो अब आधा रास्ता क्रॉस कर चुके हैं हम, यहाँ से 30 किलोमीटर और रह गया है तुंगनाथ महादेव जी का मंदिर। तो हम आ चुके हैं तुंगनाथ मंदिर। यहाँ से मंदिर की चढ़ाई स्टार्ट है, और यहाँ पे ठंड काफी है, सबने जैकेट वैकेट डाल ली है। आप देख रहे हो यहाँ का वेदर कैसा है, बहुत ही बढ़िया, और मौसम ऑसम हो रहा, मतलब जवाब नहीं। जो यहाँ से मैं देख रहा हूँ आप, ये वाली जी जगह, यहाँ से हमें ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ से 4 किलोमीटर है, और काफ़ी जो सोचा नहीं था वो होने वाला हमारे साथ। बहुत अच्छा मौसम, हल्की हल्की बारिश है, और धुंध भी काफ़ी छा रखी है। तो यहाँ से करेंगे हम ट्रैकिंग स्टार्ट, और फिर मिलते हैं आपको ट्रैकिंग के बीच में, कैसे कैसे नज़ारे मिलते हैं वो दिखाते हैं आपको। तो हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट करी है, और चलते हैं आगे, भोलेनाथ जी के दर्शन करते हैं। बारिश का मौसम हो रहा है, और सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। हाल देख ही रहे हो आप कैसा हो रहा है, हाल बुरा हाल है। हाँ जी, चलो भाई, बहुत ही मजा आने वाला भाई। हाँ जी भाई, बहुत ही मजा आने वाला है। क्या बात है भाई, ने कहा बहुत ही मजा आने वाला, तो अच्छा मजा आएगा भाई, हम होकर आ गए। क्या बात है, क्या बात है। तो अभी 1 किलोमीटर चले हैं, और हालत सबकी मस्त वाली हो चुकी है। भैया कैसी हालत हो रही बताना जरा। बूढ़े हैं तो फिट है, फिट है, मजे आ रहे हैं, फुल मजे। बड़ा मजे वाली बात ही नहीं है भैया, सांस फूला सबका, खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल, मतलब चश्मे पर भी फॉग जम गया है। हाँ भाई, कैसा महसूस कर रहे हो? मजा आ रहा है, स्पोर्ट्समैन हमें तो थकावट होती नहीं। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, रास्ता भी देखो, आप देखो रास्ता, ये व्यू यहाँ का काफी इंटरेस्टिंग। ओ क्या बोलते हैं आप, एक घंटे बोल बोले कि बम्ब नहीं, ये ऐसी गलती मत कर जीने जाते हो तुम। बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। दीपक भाई कैसा फील? दीपक भाई हमारे घोड़े पे जा रहे हैं, थोड़ा चलने में प्रॉब्लम होती है। और हेलो यार, पानी बढ़ गया। हेलो, तो कैसा मजा आ रहा भाई साहब, मैं बता नहीं सकता। प्रकृति की जो कारिस्तानी है वो यहाँ देखने को मिल रही है। हम ये मेरे पीछे फॉग दिख रहा होगा, ये फॉग नहीं है, ये बादल है, देखो आप भी। हेलो। हाँ भाई, ये क्या चीज है? बादल है बादल। ये प्रकृति की अद्भुत लीला, यहाँ से देख रहे हो ये बादल है, ये फॉग नहीं है। और तस्य वितुर्वरेण्यम, जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की, हर हर महादेव। अभी यहाँ से
ढाई किलोमीटर की ट्रैकिंग और रह गई है। जैसा कि आप देख रहे हो सामने, हमारी टीम 15 लोगों की सरपट सरपट चल रही है। आप बिल्कुल अपने परिवार के साथ है, फैमिली के साथ है, यार दोस्तों के साथ है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा टेम्पल है महादेव का, और यहाँ पर आकर आप ये हमारे भाई लोग कुछ दर्शन करके आ रहे हैं। जय शिव शंभु। तो भैया जरा ऊपर का नजारा बताओ कैसा माहौल है। नजारा भाई साहब, अल्टीमेट नजारा। दर्शन कैसे हो रहे हैं? खुले दर्शन है बाबा के। अच्छा, पूरे दरवाजे खोल रखे बाबा। हाँ क्या बात है भैया, कह रहे हैं दरवाजे खुले हुए, क्या बात है, खोल रखे आराम से, बढ़िया। कहाँ से आए भैया? दिल्ली से। दिल्ली से? तो हम मथुरा से, और भैया दिल्ली से। पहले हम केदारनाथ गए थे बाबा के दर्शन करके, फिर सीधे। हमें किस्मत में नहीं है हमारे केदारनाथ की, हम वापस कर दिए वहां से। वापस हो गए आप? जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। अरे कहाँ है टीम मेरी? मेरी पीछे चल दिया टीम। टीम जरा प्रकृति के मजे ले रही है, प्रकृति का सौंदर्य का नजारा ले रही है। जैसे कि रास्ता देख रहे हैं, ये ट्रैकिंग का रास्ता है, और ऐसे रास्ते पे होके हमें जाना पड़ रहा है। क्या बात है, जय भोले की, जय भोले की। देखो हमारे यार, हाँ भाई, जय भोले की। तो हमारे भाई कुछ शॉर्ट के चक्कर में गलत फंस गए थे। अजय भाई, शॉर्ट का रास्ता बताओ कैसा रहा? शॉर्ट का रास्ता 1 किलोमीटर 20 किलोमीटर के बराबर। 1 किलोमीटर के 20 किलोमीटर के बराबर। भैया बताएंगे अब कैसा फील कर रहे हैं भैया हमारे? हाँ जी, भोले बाबा की जय। कैसा हो रहा है? सुनो, शॉर्टकट लेकर आए, डबल पड़ गया। इसका मतलब यह है बाबा की श्रद्धा में हमेशा सही रास्ते से जाओ, चोरी मत करो। क्या बात है, सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। जरा रुको ठहरो जरा। क्या बात है, बोले 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 की बोले का भाई, बम बम बोले का भाई, बम। हर हर महादेव। यहाँ से अभी आधा किलोमीटर का रास्ता रह चुका है, साथ में भैया भी चल रहे हैं हमारे साथ, और हमारे भैया हैं। भैया कहाँ से हैं आप? मैं ग्वालियर से हूँ भाई। भैया हमारे ग्वालियर से हैं और हमें मथुरा से, तो बहुत आनंद आ रहा है इस टाइम, बता नहीं सकते। अब आधा किलोमीटर की बस दर्शन रह गए हैं, प्रभु कृपा कर दो। यहाँ अच्छे अच्छे की मतलब जो पहलवान बनते हैं ना हमारी समतल जमीन पे, उनके घोड़े खुल रहे हैं, बता नहीं सकता। बॉडी बिल्डर सब फेल, यहाँ जो आदमी 50 या 60 किलो का वही सक्सेस है, जो कम से कम 8 किलोमीटर की डेली रनिंग करता होगा 10 किलोमीटर की, वही चल सकता है। और ये हम जैसे हष्ट पुष्ट यहाँ सब फेल है भाई, तो इसलिए अपनी तैयारी के साथ आया करो, फिर बता रहा हूँ। क्योंकि हमारे पहलवान भी यहाँ फेल हो चुके हैं, देखो पीछे ये रहे हमारे पहलवान, देखो सामने ये आ रहे। तो यहाँ पे हमें एक गणेश जी का मंदिर मिला है, और यहाँ कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा मंदिर है, मैं उसके दर्शन कराता हूँ आपको, आइए। जय भोलेनाथ, जय हो गणपति बाप्पा मोरिया, मोरिया वे मोरिया। भैया ये हमारे गणपति जी का मंदिर है यहाँ छोटा सा, आप देख सकते हैं। जय भोले, जय गणपति बाबा। ये आप हमारी माता जी को देख रहे हो, मंदिर पे बैठी है, मंदिर आ चुका है सामने, मंदिर देखो, ये मंदिर है, ये मंदिर के दर्शन है, बस 100 मीटर यहाँ से रास्ता रह गया है। माता जी आपकी उम्र कितनी है? उम्र है माता जी की 50 से उम्र है, 55-54 साल की उम्र हो रही है माता जी। और माता जी कोई घोड़ा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ डंडी हाथ में, और ग्वालियर से है माता जी। और मैं तुम्हें बता नहीं सकता इनसे हमें कितनी प्रेरणा मिल रही है, कि हम लोग सोचते हैं आने के बाद यहाँ पे घोड़ा कर ले या वो कर ले, तो भाई जो भी आए अगर प्रभु के दर्शन करने हैं आपको, तो सोचो कि पैदल ही आओ तो उसमें आनंद है, अन्यथा अगर आप कोई
घोड़ा या कोई सवारी करके आते हो उसका मजा नहीं है। तो माता जी आप कैसा फील कर रही हैं यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है, कोई थकावट? देख लो क्या बात है, मतलब इतनी दूर आने के बाद भी माता जी को हमारी को थकावट लग रही है। भाई आपकी माता जी भैया, ये माता जी के बेटे हैं। तो भैया कैसा आनंद आ रहा है इस टाइम यहाँ पे? और व्यू बहुत प्यारा आ रहा है यहाँ पे, जबरदस्त। और फर्स्ट टाइम भैया, हमारा भी फर्स्ट टाइम है। कहते हैं ना जन्नत से हवा आती है। कहते हैं कि स्वर्ग से हवा आती है, यहाँ पता चल रहा है कि स्वर्ग से ही हवा आ रही है। क्या बात है, स्वर्ग में हम आ चुके हैं। क्या बात है, माता जी कह रही है हमारी स्वर्ग में आ चुके हैं। भाई वाह, मंदिर आ चुका है। लास्ट सीढ़ी पे मैं चल रहा हूँ मंदिर की, तुंगनाथ महादेव के दर्शन। तो आखिरकार हम तुंगनाथ महादेव मंदिर के सामने पहुंच चुके हैं, उनके प्रांगण में खड़े हैं। इस ब्लॉग को हम यहाँ पे ही एंड कर रहे हैं। आपको डिटेल में और कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव।